दामन हमारा खाली था, बेटी ने आकर उसे भर दिया। हमें माता पिता का दर्जा देकर जीवन खुशियों से भर दिया। खमा गनीसा। तो एज ए यूट्यूब इंस्टाग्राम फैमिली, मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करने का मन किया, तो मैं एक बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिलने गई थी। उनका एक्चुअली छोटा बेटा था, वो क्रिटिकल सिचुएशन में था, अभी वो ठीक है। जब मैं उनसे मिलने गई तो एक बात ऐसी मुझे चुभी ना उस टाइम पे, या फिर गुस्सा बोल लो, या फिर एक ऐसी मिक्स फीलिंग आई उस बात को लेके। वो बात ये थी, उनके किसी परिवार के सदस्य ने ये लाइन बोली थी कि इससे अच्छा तो भगवान ने हमें बेटी दे दी होती। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर बेटी होती या अगर उसे कुछ हो जाता तो हमें इतना दुख नहीं होता। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक बेटी होना, एक लड़की होना इतना सस्ता है, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और जब इंजेक्शन लगता है ना, तो एक बेटी को भी उतना ही दर्द होता है जितना एक बेटे को होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने हमें इससे अच्छा तो एक बेटी दे दी होती। बेटी को भी दर्द होता है। हमारा सोच, हमारी सोच बदल रही है। हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी हमें हमारी थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता।